रायबरेली कलेक्ट्रेट परिसर में सैकड़ों कांग्रेसियों ने राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए डीएम को ज्ञापन सौंपा। पत्रकार प्रबीरपुर कियास्थ की अनैतिक तरीके से दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तारी को लेकर विरोध जताया और इसे भाजपा सरकार की साजिश बताया। कांग्रेसियों ने कहा कि पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और जिस तरीके से भाजपा सरकार में पत्रकारों का उत्पीड़न हो रहा है, ये बर्दाश्त करने लायक नहीं है। हम पत्रकार प्रबीरपुर कायस्थ का समर्थन करते हैं। उन्होंने लोकतंत्र को बचाने के लिए अपनी बात को जनता के सामने रखा है। कांग्रेसियों ने भारी संख्या में डीएम ऑफिस रायबरेली पहुंचकर शांतिपूर्ण ढंग से डीएम रायबरेली को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कांग्रेस के जिलाध्यक्ष पंकज तिवारी के नेतृत्व में जिला कमेटी के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। प्रियंका गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी। आज हम लोग महामहिम राष्ट्रपति जी को जिलाधिकारी के माध्यम से हमारे रायबरेली के जितने भी कांग्रेस के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, सब लोग, जो आपने भी देखा होगा कि जो मीडिया के हमारे बंधुओं के साथ ये भारतीय जनता पार्टी के लोग और इनके इशारे पर पुलिस प्रशासन इनको परेशान करती है। अभी आपने देखा कि जो न्यूज क्लिक के प्रधान संपादक प्रबीरपुर कायस्थ जी थे, उन पर दिल्ली की पुलिस के द्वारा उनके घर पर छापेमारी की गई है, अनैतिक तरीके से छापेमारी की गई है। और उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया था, उन्होंने लोकतंत्र को बचाने के लिए अपनी बात, जो जनता की बात थी, वो उन्होंने उसके उजागर किया था। इस तरह भारतीय जनता पार्टी जो है लोगों को परेशान करती है और सीबीआई ईडी का भय दिखाती है, क्योंकि हम कांग्रेस के लोग हैं, राहुल गांधी जी के हम लोग सिपाही हैं। जिस तरह राहुल गांधी जी नहीं डरते हैं, हमारे रायबरेली का एक एक कांग्रेस का कार्यकर्ता भी नहीं डरता है और लड़ाई लड़ेगा। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।